बारिश से हल्की राहत, संकट में घिरे बुंदेलखंड बघेलखंड में आज झमाझम। भोपाल में कल से बारिश, इंदौर भी रिमझिम। मध्य प्रदेश में बीते दिन से हो रही बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। धार में भरतपुरा और कोठीदा के बीच कारण नदी पर बनाए जा रहे डैम में लीकेज के बाद पानी का रिसाव बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार सुबह बांध के एक तरफ की मिट्टी बह गई, इससे डैम की वॉल का बड़ा हिस्सा ढह गया। खतरे के मद्देनजर प्रशासन ने डैम के आसपास के 18 गांव खाली करा लिए हैं। इनमें धार जिले के 12 और खरगोन के 6 गांव शामिल हैं। इससे करीब 40,000 लोग प्रभावित हुए हैं। नर्मदा, शिप्रा, बेतवा, ताप्ती खतरे के निशान तक पहुंच गई है। ओंकारेश्वर हलाली डैम ओवरफ्लो हो गए। तवा और इंदिरा सागर बांध के गेट खोलने पड़े। भोपाल की कालिया सोत नदी में अचानक पानी आने से दो युवक बाढ़ में 45 मिनट तक फंसे रहे। वहीं टीकमगढ़ के धसान नदी में आई बाढ़ में फंसे दो युवकों को भी सुरक्षित निकाल लिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश इलाकों में तेज बारिश की संभावना है। सिर्फ बुंदेलखंड और बघेलखंड में अच्छी बारिश हो सकती है। भोपाल में अच्छी बारिश, इंदौर में सिर्फ रिमझिम। मौसम विभाग के अनुसार 13 अगस्त से बंगाल की खाड़ी में नया लो प्रेशर एरिया बन रहा है। इस कारण शनिवार मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड और बघेलखंड में तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा रविवार से भोपाल, रायसेन, राजगढ़, विदिशा, सीहोर, शिवपुरी, दतिया, उमारिया, अनूपपुर, कटनी, डिंडौरा, बालघाट, रीवा, सातनी, सीधी, छतरपुर, सागर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह और निवाड़ी में रविवार को अच्छी बारिश होगी। इंदौर धार अलीराजपुर झाबुआ बड़वानी, बहारनपुर, खंडवा, खरगोन, देवास, अगरमालवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम, साजपुर, उज्जैन, अशोकनगर, गुना, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, छिंदवाड़ा और जबलपुर में भी अभी दो दिन से रिमझिम हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।